ये कोई पैसों की दी हुई भीड़ नहीं है कि पैसे दे करके बुलाए गए हैं, और हम अपने चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। चारों तरफ जिस तरफ भी कैमरे की नज़र जाएगी उस तरफ आपको हाथों में पैम्पलेट लिए हुए शख्स दिखाई पड़ेंगे। आखिर ये पम्पलेट है क्या, इसमें लिखा क्या है, और ये इस पम्पलेट के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों? आखिर नेता मौन क्यों? और ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि ये अपनी आवाज़ को लेकर के 70 दिन से इस इको गार्डन, लखनऊ के इको गार्डन में 70 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। मंत्री जी के कानों में शायद जू नहीं रेंग रही। मंत्री के घर तक जाते हैं संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके आवास तक जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स आती है और इनको भसों में भरती है भेड़ बकरियों की तरह, और इको गार्डन ले आकर के फिर से छोड़ देती है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? पहले तो इनसे ही जान लेते हैं कि इनकी मांग क्या है, उसके बाद बाकी बात बाद में करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी, और 70 दिन से क्यों आप यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं? देखिए, हम लोग 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, और ये भर्ती 2019 की है। 4 वर्षों से हम लोग सिर्फ इस बात की कीमत अदा कर रहे हैं कि हम लोग दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं। लिस्ट बनाई गई, उसमें जानबूझ के आरक्षण का घोटाला किया गया, और आरक्षण घोटाला इस हद तक किया गया कि 6,800 जो दलित और पिछड़े समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में जाते, उनकी जगह पर अपनी पसंद के लोगों को सरकार के अधिकारियों ने और सरकार के लोगों ने मिलकर नियुक्ति दे दी। पहले तो उसके लिए हम लोग साल भर आंदोलन करते रह गए सर, कि किसी तरीके से हमारी सुनवाई हो। साल भर ये अधिकारी कहते रहे कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है, अब पिछड़ों का हक अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। उसी पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि संवैधानिक संस्था है, शायद हमारी सुनवाई हो जाए। वहाँ जब हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तो वहाँ 1 साल तक सुनवाई के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये पाया कि 6,800 लोग ऐसे थे आरक्षित वर्ग के, दलित और पिछड़े समुदाय को, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनकी जगह पे अपनी पसंद के लोगों को इन अधिकारियों ने और सरकार में बैठे लोगों ने नौकरियाँ दे दी। उस पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर 1 साल तक हम लोगों ने इसी को इको गार्डन में संघर्ष किया सर, इसकी गेट के बाहर संघर्ष किया, भाजपा कार्यालय में लाठियां खाई, मुख्यमंत्री आवास के सामने लाठियां खाई, शिक्षा मंत्री के यहाँ लाठियां खाई। एक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने जाते समय बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले हम लोगों के 5 सदस्यीय जो है प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई, जिसके बाद विभाग ने अपनी गलती मानते हुए 6,800 दलित पिछड़े अभ्यर्थियों की सूची जारी की। लेकिन चुनाव आ गया, चुनाव निकल गया, नियुक्ति हम लोगों को नहीं मिली, और आज तक नियुक्ति हम लोगों को नहीं मिली। आज जब हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, शिक्षा मंत्री ने लखनऊ में होते हुए भी ये कहलवा दिया प्रशासन के माध्यम से कि कह दो कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर नहीं है। हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह खींच खींच के और जातिगत गालियाँ देकर पुलिस वाले हम लोगों को बसों में ठूंस ठूंस कर ले आए हैं। मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। कहने को तो आप देखें, दुर्भाग्य से इस प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। उससे बड़ी विडंबना देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे संदीप सिंह जी, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। इस सरकार की मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अपना दल की संस्थापक जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ओबीसी वर्ग से आती हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो। जल संसाधन मंत्री जो है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे ये देखिए, इन्होंने इस पम्पलेट का मतलब समझाया। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र सिंह, ये आपका जानते ही होंगे, अभी हाल ही में इनका एक्सीडेंट हुआ। अनुप्रिया पटेल के पतिदेव हैं आशीष सिंह, और इनको जानते ही होंगे, भी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। इस पम्पलेट में इन तस्वीरों का मतलब ये है कि ये सब पिछड़े वर्ग से आते हैं, कोई SC वर्ग से आता है, लेकिन ये जो अपना आरक्षण मांग रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, ये इन मंत्रियों के कान में बात नहीं जा रही है। और लोगों से भी बात करते हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पे, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि 70 दिन मायने रखते हैं, और 70 दिन से ये सब बराबर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वजह है मैम? हमारा हक छीन लिया गया है, और हमारी जगह किसी और को जो है नियुक्ति दे दी गई है, और हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। बताइए कितने सालों तक हम लोग भटकते रहेंगे इस तरह। मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने माना है कि जो है चोरी की है, उसके बावजूद भी हम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, बताइए कहाँ जाएंगे? पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये माना है कि आरक्षण में कमियाँ हुई हैं, खामियाँ पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करके हम इनको नियुक्ति देंगे, लेकिन उसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिली है। और भी है, और यहाँ आते हैं, आपके पास भी आते हैं। क्या वजह है मैम आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, और आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? खड़े हो जाइए।
अब न्याय की उम्मीद से तो बैठे हुए हैं, क्या वजह है हमारी 800 की नियुक्ति लटकी हुई है और हमारे मुखिया हैं जो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम क्या दलित और पिछड़े होने का कर्ज अदा कर रहे हैं? अगर सबका साथ सबका विकास है तो हमारी 800 की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं सब हिंदू एक हो जाओ, क्या हम हिंदू नहीं है? इस बात का जवाब चाहिए हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। हिंदू हैं तो हमें क्यों अलग किया गया, हमारी सीटें क्यों खाई गई? हिंदू हैं तो हमें भी न्याय चाहिए, हमें भी नियुक्ति चाहिए, हमें भी जीने का हक है मान सम्मान से। हमारा 27% आरक्षण क्यों छीना गया अगर हम हिंदू हैं तो? उनको 10% दिया गया एक विशेष वर्ग को भी, तो हमारा 27% भी क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इसलिए हम लोग आज भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और हमारी नियुक्तियाँ दी जाएँ। 2 साल से हम लोग लगातार इसी प्रयास में हैं, देखिए कब सुनते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। इनका दर्द यही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम इनका दर्द यहाँ पर आए हैं जानने के लिए। सिर्फ हमने इनका दर्द समझा और समझने के साथ साथ हम ये इनकी आवाज़ सरकार में बैठे आला कमानों के कान तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या कह रहे थे आप अभी जब हम बात करने जा रहे थे, आपका क्या है विषय? हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे भी मैडम ने बोला कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया है कि आरक्षण घोटाला हुआ था, ठीक है, इसके बाद पहले तो मतलब सरकार के लोग नहीं मान रहे थे कि आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे, हम लोग मतलब 1.5 साल से इको गार्डन में धरना दे रहे थे, जब विधानसभा चुनाव आया तो उस टाइम मतलब पता नहीं क्या हुआ अचानक, तो सीएम साहब ने खुद मतलब हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, उन्होंने खुद माना कि हाँ लगभग 6000 सीटों का घोटाला हुआ है, उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी हुआ और उन्होंने तुरंत बोला कि 5 सितंबर को इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन आज तक मतलब वो नियुक्ति पत्र, इसके बाद आचार संहिता लग गया, हम लोग कैबिनेट का गठन होने का वेट करने लगे, ये था कि अब कैबिनेट गठन हो जाएगा, मंत्री नए बन जाएंगे, इसके बाद शिक्षा मंत्री जी हमारे संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री बने, बड़ा खुशी हुई, चलिए कल्याण सिंह के पोते हैं, वो बोलते थे कि आरक्षण छीन लेना चाहिए अगर कोई नहीं दे रहा है, लेकिन दिक्कत है आज तक उन्होंने कभी लोड ही नहीं लिया हम लोगों का, ना अच्छे से कभी बात किया बस, और इसके बाद सीएम साहब ने सारा कुछ बोल दिया कि अब कोर्ट न्यायालय चला गया, न्यायालय में ये हाल है कि कभी डेट लगती है, वहाँ पर सुनवाई नहीं होती, अगली डेट मिल जाती है, बस तब से ही हम लोग 2 साल से हम लोग टहल रहे हैं ऐसे। हम तो नहीं समझते, हमारे पास सवाल क्या, जो आपके पास जवाब होगा वो हम सुनेंगे, सिर्फ आपकी बात हम जानने के लिए आए। सबसे पहले मैं News24 को मैं सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहता हूँ, बहुत सारे मीडिया लोग ऐसे भी हैं जो नहीं हम लोग की बात सुनते हैं, लेकिन आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम हम लोग हमारा की ये हमारी बात नहीं, ये हमारा कर्म है और हमारा धर्म है हमारे चैनल का कि जो जिसके साथ गलत हो रहा है या कोई पीड़ित है तो उसकी बात आला कमान तक पहुंचाई जाए, ये हमारा कर्म है। बाकी आपकी व्यवस्था इतना दुरुस्त हो चुकी है कि मीडिया वाले भी हम लोग के पास नहीं आते, हमारी बात कौन सुनेगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर संजय निषाद से, क्योंकि मैं एक निषाद समाज से मैं आया हूं, मैंने एक एक वोट दे करके उनको इस पद पर मत्स्य विभाग का उनको एक मेंबर बना दिया गया है, उसके बाद वो मेरी आवाज़ को क्यों नहीं उठाते? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, जब वोट लेना होता है तो आप हमारे समाज में आए, हमारे बीच में आए और कहे कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन मैं उस डॉक्टर संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूं, घर भर किसी न किसी पोस्ट पर आप लोग बैठते चले जा रहे हैं, लेकिन हम एक 6800 के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर हमारी इस निषाद समाज से जो मैं जुड़ा हूं, हमारी नियुक्ति कब मिलेगी? आप कभी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, केवट ने जो है कि मल्लाह जो है कि राम को इस पार से उस पार उतारा, अरे मैं उस संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूँ, इस मल्लाह को तुम कहाँ ले जाओगे, इस निषाद समाज को तुम कहाँ ले जाओगे? अरे 6800 के एक बंदे को आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो और आप चल रहे हो श्री राम राम रामचंद्र को पार उतारने, अगर आपने ठीक है उतार दिया तो हम लोग को कौन उतारने आएगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, और अगर योगी महाराज जी भी हैं तो मैं सुनना चाहता हूँ, आप तो कहते हैं कि भाई निषाद समाज के जो लोग भी हैं वो ये जो केवट है लोग वो मल्लाह जो है वो श्री रामचंद्र जी को पार उतारे थे, तो मैं आप ही होगी महाराज जी से कहना चाहते हैं आखिर हमको कब पार उतारेंगे आप? मीडिया की जब बात होती है मीडिया में कुछ और कह दिया जाता है, हम लोग की पूरी बात मीडिया तक नहीं जा पाती, तो मैं इसलिए 24 को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, कम से कम आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए जो शासन प्रशासन और व्यवस्था में लोग बैठे हैं, ये मेरी बात सुने, ये किसी गरीब का बात है, अभी हमारे दर्द को तो आप मत जानिए, आज हमारी माँ बाप किस हालत में है, किस दर्द में है कि मेरे माँ बाप किसी तरह से मुझे पढ़ा करके इस योग्य बनाए और आज भी रास्ता इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा एक दिन नौकरी लेके आएगा तब जा करके हम आगे प्रक्रिया करेंगे, हम इस दर्द को कौन सुनने जाएगा मैं पूछना चाहता हूँ। और आप लोग कहते हैं मीडिया, मैंने एक दिन बात सुन रहा था
तमाम तरह के सपा बीजेपी सब लोग नेता लोग थे और कह रहे थे कि ये जाली लिस्ट निकला हुआ है, सब कुछ आपके समाज में जाली होती है, ये 68 लिस्ट जाली आप साबित कर रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव की वजह से आया था तो वैसे निकाल दिए। अरे ये सब भ्रम बंद करिए आप लोग, ये सब भ्रम बंद करिए और अभी भी चेत लीजिए, नहीं आने वाला जो इसके बाद से जो चुनाव होगा ये निशा समाज सबसे ज़्यादा संख्या में है बता देगा। जिस तरह से मैं तख्त पर बैठाना जानता हूँ वैसे ही तख्त पर मैं उतारने को भी जानूंगा। योगी महाराज जी आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बड़ी बात कही, हमारे माँ बाप अभी भी रास्ता देख रहे हैं, 70 दिन से ये धरने पे है, माँ बाप रास्ता देख रहे हैं कि बेटा आएगा नौकरी शायद साथ में लेके आएगा। एक बात इन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण कही, सत्ता में बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। कैमरे के चारों तरफ मैं एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू जी से कि चारों तरफ दिखाएं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। फिलहाल ये जितने भी हैं हजारों की तादाद में हैं, क्या इनके वोटों का महत्व चुनाव में समझ में आएगा? क्या इनकी जो बात है वो चुनाव तक सुन ली जाएगी? इनका कहना है, बताया इन्होंने कि हम निषाद समाज से हैं, निषाद समाज के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज मछुआ समाज के आरक्षण को लेकर के पदयात्रा कर रहे हैं एक विक्रमादित्य मार्ग से 1090 चौराहे तक। उनके पास भी सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन क्या ये भीड़ उनको नहीं दिखती है? खैर ये तो बात की है, ये तो राजनीति का एक पहलू है कि भाई आप कहेंगे। मैं बताना चाहता हूं, मैंने वोट दिया है और इस घर से मैं वोट दिया हूं तो मैं मुझे नियुक्ति चाहिए, नहीं तो जिस तक पर मैं बैठाना जाता हूं जानता हूं उतारना भी जानूंगा। और इस वोट का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, आप छीन नहीं सकते, न छीन सकते हैं न जबरदस्ती ले सकते हैं। स्वेच्छा से दिया हूं और स्वेच्छा से देकर उतारना भी जानता हूं, इसलिए मान क्या लगता है अब और एक हाँ आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी और इसमें भैया रुक जाओ 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी और इसमें आरक्षण घोटाला हुआ, लगभग 20,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ। और इसके बाद जब हम लोग लड़े, सड़कों पर लड़े, लड़ने के बाद लगभग 6800 सीटों को उसमें के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने माना, बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना कि हमसे 6800 सीटों का घोटाला हुआ है और ये ओबीसी एससी की सीट है। और एक हफ्ते के अंदर में इन्होंने पूरा शेड्यूल निकाल दिया, काउंसलिंग होने जा रही थी। ये लगभग 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी और आज लगभग 1.5 साल हम लोगों को हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए हम ओबीसी एससी के लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर हमारी लिस्ट आई थी 6800 की ओबीसी एससीओं की, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मेरे हाथ में आपको बिल्कुल फ़ोटो दिख रही हैं, ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी की फ़ोटो दिख रही है। भैया इसको दिखाइए, माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनको हम लोग दीदी कहते हैं और ये पिछड़े समाज से आती हैं। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने इनके आवास पर लखनऊ में इनके मिर्ज़ापुर जनपद में जा करके इनको हम लोगों ने घेरने का काम किया और इनसे अपनी मांग रखने का काम किया। और ये आज जो भी बीजेपी में इनकी अपनी क्षमता है, जो भी इनको सीट पद मिला है, ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों की वजह से ही मिला है। बाकी हम लोग पूरा देश जानता है कि अनुप्रिया दीदी की क्षमता बीजेपी में किन की वजह से है, हमारे ओबीसी एससी कोटों की वजह से है। और अगर हम लोगों ने वहाँ इनको बैठाया है, इनको उतार देंगे और इसी 2024 के चुनाव में। और ये अनुप्रिया दीदी हमारे लिए कतई कुछ नहीं करना चाहती हैं, केवल दिखावा करती मीडिया में आकर के कि 6800 की लिस्ट हमने लाई और नियुक्ति भी मैं करवाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल कोरा ढकोसला है। इसके बाद जो ये दूसरा फोटो आपको इस बैनर में दिख रहा है, बस सर एक सेकंड, मैं चूँकि पीड़ित हूँ, इन सबसे पीड़ित हूँ, मुझे आप समय दीजिए, मैं नाम लेना चाहता हूँ। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय डिप्टी सीएम जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। ये हमारे अभी इलाहाबाद के प्रोग्राम में हमारे लोगों को जब अपनी मांग रखने गए थे, मात्र एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, ओबीसी एससी के हमारे साथियों को इन्होंने बुरी तरीके से भाजपा कार्यालय में पिटवाने काम किया है। ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों से ये डिप्टी सीएम है आपके प्रदेश की सरकार में। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं, एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने इनके घरों पर जाकर के अपनी मांग रखने का काम किया है, लेकिन आजकल ये मौन हैं, गूंगे बने हैं, चुप बैठे पड़े हैं। हम लोग इनको भी उतारने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों से अगर हमारी नियुक्ति नहीं मिली तो इनको हम लोग बिल्कुल सरकार से निकालने का काम करेंगे। इसके बाद माननीय अनुप्रिया दीदी जी के हस्बैंड माननीय केंद्रीय मंत्री
राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके हस्बैंड जी आशीष पटेल भैया, हम लोगों ने इलाहाबाद में पूरे प्रदेश के एक एक जिले में इनको घेरने का काम किया है। केवल इतना कहते हैं कि लिस्ट हमने निकलवाई है तो नियुक्ति भी मैं दिलवाने का काम करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोरा बकवास है। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि आप इसी ओबीसी एससी के वोटों पर एक इतनी बड़ी पार्टी लेकर के बीजेपी की सरकार में इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं, हम लोग उतारने का काम जरूर करेंगे 2024 के चुनाव में, अगर हमारी 800 की नियुक्ति ओबीसी एससी की नहीं हुई। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं बहुत विशेष तौर से ये जो माननीय संदीप सिंह जी हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। आज हम लोग इतनी संख्या में, करीब 2000 की संख्या में इनके आवास पर जाने का काम किया है। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने माननीय संदीप सिंह सर के आवास पर अपनी 6800 जैसी जो हमारी मांग है, जो हमको अपनी मेहनत से हमको नियुक्ति मिली थी, मतलब जो हमारी लिस्ट आई थी उस नियुक्ति के लिए जाने काम किए हैं। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे आदरणीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के पोते जी हैं। कल्याण सिंह जी एक नारा दिया करते थे कि अगर पिछड़ों दलितों को आरक्षण न मिले तो थप्पड़ मार के छीन लेना। ऐसे श्रद्धेय माननीय कल्याण जी के पोते जी हैं, चुप बैठे हैं, हाथ जोड़े पड़े हैं, और हम लोगों के ओबीसी एससी के वोटों से आज ये शिक्षा मंत्री बन बैठे हैं और ये चुप मौन है। मुझे लगता है कि इनकी प्रदेश की सरकार में चलती नहीं है। और मैं तो मांग करता हूँ, अगर आपसे शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाला जाता कि महोदय आप त्यागपत्र दे दो, आप त्यागपत्र दे दो, छीना एक बात आरक्षण छीन लीजिए। लेकिन वो जमाना दूसरा था, ये दौर दूसरा है, यही कहेंगे सिर्फ। देखिए ये तो पीड़ित हैं, महिलाएं भी हैं इसमें, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि देखिए महिला एक सब जानते हैं, सुबेरे उठना है, निकलना है, खाना पानी सब इन्हीं लोगों से है। देखिए इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे। हम उन्नताधार शिक्षक भर्ती में आज 2 साल से हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं सर, न हम लोग को ना कोई नेता सुनता है, ना मंत्री सुनता है सर। हम उनके आवास पे जाते हैं सर, और हमको वहाँ के मार कर हम लोग को गाड़ी पे बैठा के ठेल सर, इस बंद जेल में हम लोग को ला के छोड़ दिया जाता है सर। यहाँ पे कोई ना प्रशासन आता है, ना कोई नेता है, ना मंत्री सर। हम लोग को कोई छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर सर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों करने आते हैं सर। हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आते हैं ना सर, यहाँ कौन सब अपनी नियुक्ति के लिए आए सर, मगर हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है इस समाज में। हमारे दलित पिछड़े जो हम लोग के नेता मंत्री बने हैं, आज हम लोग का वोट लेकर आज ऊंचे पोस्ट पर बैठे हैं, मगर कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है सर, क्या करें आप बताइए। कोई सुनने वाला नहीं है हमारा वोट लेकर के, हमारे समाज से दलित और ओबीसी जितने भी पिछड़े वर्ग से बैठे हैं सरकार में, कोई नहीं सुन रहा है, हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। फिलहाल ये तो हमने आपको यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं 69,000 वाले, चारों तरफ आप नजर जाएगी तो बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के। तीसरा दिन, आज ये तीसरा दिन था जो मंत्री संदीप सिंह के आवास के उन्होंने घेराव किया और पुलिस ने वही किया जो उनका रूटीन में है, इनको डिटेन करके इको गार्डन ला करके छोड़ दिया। हालांकि इन लोगों ने अभी हार नहीं मानी है, लगातार अभी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन इनकी बात सरकार तक जाए इसके लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे और शायद कुछ इनकी सुनवाई हो सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।